जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत ज्यादा भाई प्रॉब्लम होगी, आपको बाद में बताता हूँ। चले भाई बाइक स्टार्ट करें, निकलते हैं। ये हमारे नए माली भाई हैं, इनका तारों में आपसे बाद में करूंगा, पहले जो काम करना है वो कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई मैं और हमारे शराफत भाई, हम फिलहाल यहाँ ना गलियों में घूम रहे हैं, और जितने भी इस तरह के घर हैं, लोन है, यहाँ पर माली भाई लगे हुए हैं, उनसे हम मशवरे कर रहे हैं कि हमें कौन सा घास लगाना चाहिए। अब सारे ये कह रहे हैं कि ये अमेरिकन घास होता है, जैसा आपके घर में पहले लगा है वहाँ पर आप घूम सकते हैं, जानवरों परिंदों के लिए बहुत अच्छा है, इसकी मेंटेनेंस भी कम होती है, इस पे मेहनत भी कम होती है। लेकिन जो दूसरा ना, जिस तरह वो सामने ढाका घास लगा हुआ, ये भाई कौन सा ढाका है ना, ये ढाका नहीं नहीं, ये ढाका है, वो कोरियन है, वो कोरियन घास, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और इसको दीमक बहुत जल्दी लग जाती है। आपको मैं जाके दिखाता हूँ घर का क्या हाल हुआ पड़ा है, फार्म हाउस का क्या हाल हुआ पड़ा है। हमने एक पैच उठाया, नीचे इतनी ज़्यादा दीमक लग चुकी थी, हम परेशान हो गए। अभी हम यही मशवरा कर रहे हैं, अभी यहाँ पर भी मशवरा किया भाई के साथ, आगे भी जाएंगे मशवरा करेंगे, और फिर फाइनल डिसाइड करने के बाद हम यहाँ से सीधा घर को जाएंगे। हम हर गली में घूम रहे हैं भाई, हर तरफ हम घास देख रहे हैं, कहाँ पर कौन सा घास अच्छा लग रहा है, कहाँ पर ज्यादा घास कौन सा लगा हुआ है। इस पूरी गली के अंदर तो अमेरिकन घास लगा हुआ है, ये अमेरिकन है, ये भी देखें दोस्तों जो हमारे घर में लगा हुआ है ना, वही वाला घास है, हर तरफ अमेरिकन घास है, यहाँ पर कोरियन घास बहुत कम है। तो ये जितने भी घर है सब में अमेरिकन घास लगा है, सिर्फ एक घर है जहाँ पर कोरियन है, ये वाला है शायद, मैंने देखा है। अब ये देखना पड़ेगा ये कौन सा वाला घास यहाँ पर लगा हुआ है, नहीं है वो, आगे जाके देखते हैं उस तरफ। यार यहाँ पर भी अमेरिकन ही लगा हुआ नजर आ रहा है, कोरियन घास यार बहुत कम लगा हुआ है, ये बहुत कम होता है, इसमें बहुत मेहनत होती है। देखो इतना बड़ा ग्राउंड है, इसके अंदर भी अमेरिकन ही लगा हुआ है, यहाँ पर हमने इतना ज्यादा खेल खेल के जवान हो गए हैं यहीं पर, तो ये वाला घास खराब नहीं होता, तो यही लगाते हैं भाई। चलें चलते हैं, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह अभी डिसाइड करते हैं। तो इतनी हैवी मेडिसिन हम दीमक के लिए ला चुके हैं, और इस तरफ ये देखें भाई, भाई साहब ने यहाँ पर मशीन लगाना शुरू कर दिया है। एक दो तीन बॉक्स आपको देखें बिल्कुल ग्रीन नज़र नहीं आ रहे, और चौथा वाला इतना ज़्यादा ग्रीन है। ये सारी स्टोरी मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले भाई से पूछ लेते हैं जो इन्होंने दवाइयाँ बोली थी वो यही वाली है ना, कहीं हम गलत तो नहीं उठा लाए। शराफत भाई मेडिसिन सारी आ गई है? नहीं ब्रदर, ये नहीं चाहिए अभी। क्यों? वो तो घास ही हमने फाड़ दिया, वो सही नहीं है। क्या किया घास के साथ? हमने दूसरा घास लगाना है वहाँ पे। मतलब अब कंफर्म हो गया वो घास नहीं लगाना, तो उस घास का करना क्या है फिर? वो वापसी चला जाएगा, वो ले लेंगे जी। भाई ये भाई बोल रहे हैं कि घास वो नहीं लगाना वहाँ पर, यही वाला घास लगेगा। लेकिन इस घास की अब्बास भाई ने बिल्कुल भी केयर ठीक से नहीं की थी, बीच में बारिशें शुरू हो गई थी, मशीन लगा रहे थे लेकिन ऊपर ऊपर से। अब ये देखें भाई मशीन जहाँ पर लगा रहे हैं, ये मशीन लगेगी, फिर सफाई होगी, फिर ये मशीन दोबारा से लगेगी, और ये जो जड़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ये सारी जड़ें एक दफ़ा ख़त्म होंगी, और उसके बाद जैसे हमारा पहले घास हुआ करता था ना, बहुत खूबसूरत प्यारा वाला, से हमने यहाँ पर भी और फार्म हाउस में भी वैसा लगाना। अब ये भाई इस्तेमाल नहीं करनी तो इनका क्या फ़ायदा, ये वापस हो जाएंगे? ये मैंने 4,000 की एक बोतल लाई है, 12,000 रुपये की आई है। क्या हुआ है? खत्म कर दिया सारा, उठा रहे हैं। लग रहा था हमारा फार्म उस कितना प्यारा था लगता है, मतलब वो बताता हूँ जाके। असल में प्रॉब्लम क्या हुई थी यार, ये वाली जगह भी सारी हमारी खराब ही हो चुकी है, ये देखें पौधों का क्या हाल हो चुका है, कुछ अच्छा हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो इसलिए अभी आपको तकरीबन एक महीने तक ये जगह बिल्कुल प्यारी लगेगी, हमें भी अच्छी लगेगी, हम इसकी अभी सेटिंग करवा रहे हैं। दिखाता हूँ आपको क्या हाल हो गया, ये देखो क्या हाल हो गया, कितनी मेहनत से बनाया था, कितना प्यारा लग रहा था दोस्तों, सारा ख़राब हो गया। हुआ कुछ यूँ कि आपको मैंने बताया था कि हमारे अब्बास भाई यहाँ से जा रहे हैं और नए माली भाई आ रहे हैं, 3 से 4 नए माली भाई आए हैं, उन्होंने ये घास देखा है, और जो जो बंदा आया है ना, उन्होंने सबसे पहले पूछा कि क्या दीमक का यहाँ पर कोई इलाज किया है, दीमक की मेडिसिन वगैरह यहाँ पर लगाई है। तो हमने सबको बोला कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये मेडिसिन भी होती हैं, और मुझे लगता है कि अब्बास भाई को भी ये चीज़ नहीं पता थी, या फिर अगर उनको पता थी तो उन्होंने जल्दी जल्दी में जाना था, उन्होंने कहा कि बस यही होता है, खाद वगैरह डाल देनी है। फिर हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, इस घास को निकालें, दोबारा से दवाई डालें, और फिर लेकिन जब हमने सुबह आकर ना, हमारे जो नए वाले माली भाई हैं उन्होंने आकर जब देखा ना, तो जो जो पैच हम यहाँ से उठा रहे थे ना भाई, इतना ज़्यादा सीख के ढेर लगे हुए थे नीचे, सीख से मुराद दीमक, और दीमक वो इस घास को 2 दिनों के अंदर ख़त्म कर देती, ये बिल्कुल सूख जाना था। वो तो शुक्र है हमने टाइम पे देख लिया। तो इन भाई का ही मशवरा था, जो दूसरा घास लगा हुआ है ना वहाँ पर, उन्होंने कहा था,
उस वक्त के वही लगाया जाए। अब भी उनका यही मशवरा था कि ये घास उठाते हैं, इस पर बहुत मेहनत है, पूरा साल मेडिसिन खाते हैं, पानी हर चीज़ लगाने के बाद ये ऐसा रहता है, तो बेहतर है कि हम यहाँ पर भी वैसा ही लगाएं। क्योंकि इस घास का एक और प्रॉब्लम भी होता है, इस घास के ऊपर जब रेगुलर कोई चलना शुरू कर देता है, कोई जानवर परिंदा इंसान, तो ये सूखना शुरू हो जाता है। वो वाला घास सूखता नहीं है जैसे पहले था, वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह ये वाला भी मैं प्यारा कर दूंगा। इस वजह से फिर अब ये सारा घास यहाँ से हमारे नए माली भाई ने निकलवाया है और इसको अब उठा के भिजवाया जा रहा है। अब इसकी जगह दूसरा घास आएगा और लगेगा, फिर दूसरा घास। अब वैसे ही सर्दी शुरू होने वाली है, थोड़ा सा इस दफ़ा लेट लगेगा और ये जगह ग्रीन होते होते एक महीना और लग जाएगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जहन दुख हो रहा है यार, इतनी मेहनत से हमने वो लगाया था, लेकिन अब ये हालात हो गए हैं कि ज़मीन जैसे पहले थी ना हमारा फार्म हाउस, वैसा ही हो गया। भाई इधर क्या देख रहे हैं? वो मैं इधर सुबह दीमक को छोड़ के गया था, अभी मिली नहीं थी, चूंटियाँ उठा के ले गई हैं। उधर आओ ना, उधर बहुत ज्यादा हैं। ये देखो ये रास्ता दीमक का, ये इन रस्तों से आती थी और ये इसका घर था। इसी तरह ना हर जगह पर, हाँ वहाँ पर कुछ पैचेस लगे हुए हैं ना, हाँ लगे हुए हैं बहुत ज्यादा, वहाँ पर दीमक होगी। आए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ दीमक होती कैसे है। किधर है? मैंने शिकार पकड़े हुए हैं। ये देखें, अब ये पैच उठाया और कितनी ज्यादा दीमक है अंदर देखो, घास के ये हर जगह, ये से खा जाएगी। इसके नीचे भी होगी फिर, यहाँ पर इधर नहीं है, सबके नीचे है, ये देखो नहीं है, ये पक्के देखो दोस्तों कितने पक्के हो गए हैं, जमीन के साथ चिपक गए थे हर जगह। यहाँ पर तो वो कीड़े हैं, ये देखें ये दीमक जा रही है उस तरफ भी होगी, भाई हर जगह है ये। अब यहाँ से फैलते 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 हर जगह फैल जाती और फिर हमारा बहुत नुकसान होना था, हम इसी घास के साथ सारा साल लगे रहते, तो इसलिए हमने ये टेंशन ही ख़त्म कर दी है। इस घास को हमने यहाँ से उठा दिया है, हम दूसरा घास लगाएंगे, मज़े से उसके ऊपर मशीन भी लगेगी और वो खूबसूरत भी लगेगा। इस लॉन पर दोस्तों इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, कब से हम मशीन लगाए जा रहे हैं लेकिन अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ, शाम हो चुकी है और आगे भी तकरीबन 10 से 15 दिन ऐसे ही इसके ऊपर रेगुलर मशीन लगेगी, तब जाकर ये जितना बुरा हो गया था ना, जितना ये ख़राब हो गया था, ये वापस अपनी जगह पर आएगा और फिर दोबारा से इंशाल्लाह 10-15 दिन तक ये ग्रीन हो जाएगा। मैं इसको देखने के लिए आया था, ये सुबह से सोया हुआ था, हमारी आवाज़ें भी सुन रहा था लेकिन बाहर नहीं आया। अब जब शाम हो चुकी है, इसने अपनी नींद पूरी कर ली है, तो ये बाहर आ चुका है। स्काउट हमारा सुबह से उधर बैठा हुआ है उस कॉर्नर में और इसको तो भाई इतनी ज़्यादा नींद आती है। एक दफ़ा मैं इसके पास आया, मैंने इसे उठाने की कोशिश की, एक दफ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये सांस नहीं ले रहा, ये मरा हुआ पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा झंझोड़ने के बाद मुझे पता चला जनाब जिंदा है और मज़े से खराटे लेके सो रहे हैं। इसी किसी चीज़ से डर तो लगता नहीं है तो फिर ये मज़े से सोता है, बिल्ली की तरह डरता तो नहीं है ना कि बस थोड़ा सा सोएगा फिर जाग जाएगा, आगे पीछे देखेगा कोई शिकारी ना आ गया हो। और अब ये अपने बर्तन के पास आके खड़ा हो गया, इसको पता है कि मैं इसको गोश्त ला के दूंगा लेकिन अभी इसका टाइम नहीं हुआ। हाँ भाई सो के उठो, आराम से पहले पानी पियो, अब गोश्त तुम्हें शाम को मिलेगा। पहले इतना ज़्यादा खाया हुआ है और खा के सो जाता है, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉक नहीं करता, ऐसे मोटा हो जाएगा। तो हमारा दूसरा वाला घास आना शुरू हो गया, बस यहाँ पर इधर 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 इस जगह पर यहाँ पर। अब ये वाला घास हमारे फार्म हाउस में लगने वाला यार, ये देखें कुछ इस तरह का होता है और ये पूरा पैच भी ऐसे ज़मीन में लगा दिया जाता है और फिर कुछ दिनों तक ना ये सारे पैचेस फुल हो जाएंगे और फिर यहाँ पर मशीन लगना शुरू हो जाएगी। इसको क्या हो गया है, नीचे गिरा पड़ा है। हाँ भाई क्या हो गया, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे उल्टा हो गया था और जब ये उल्टा हो जाता है फिर सीधा ही नहीं हो सकता, हमें करना पड़ता है। रात के 12:55 हो रहे हैं भाई इस वक्त, ना मैंने इनको सोने देना है, ना मैंने आज खुद सोने और ना ही मैंने इनको सोने देना है। ये देखे भाई इतनी रात को भी यहाँ पर काम चल रहा है। भाई मैं आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, घर वालों से मेरी परेशानी देखी नहीं गई, उन्होंने कहा अगर नहीं ये घास लगवाना तो ना लगवाओ, अगर मसला है कोई तो फिर वापस इसको लगवा लो। और दीमक कोई बहुत बड़ी बला नहीं है कि जो ख़त्म ना हो सके, इतनी अच्छी दवाइयाँ लेकर आए हो, यहाँ पर लगाओ और उसके बाद ये घास वापस बिछा दो। फिर ये घास हमने भेज दिया था, यहाँ से वापस नर्सरी पे चला गया था, फिर वापस मैंने आधा घास मंगवा लिया। अब ये वाला जो घास पड़ा हुआ है ना अमेरिकन, जो इन भाई ने मंगवाया था, ये हम नहीं लगा रहे भाई। वो घास लगाते फिर फार्म हाउस ग्रीन होता, एक दो महीने लग जाते क्योंकि अब हल्की हल्की सर्दी हो चुकी है और ये घास बहुत लेट ग्रोथ करेगा, तो मुझे इससे अपना फार्म हाउस ऐसे देखा नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई सारी चीज़ों को माइंड से निकालता हूँ, कोई दीमक नहीं है, कोई कोई ख़तरा नहीं है, कोई इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं है, जैसे
उस तरफ वाले चल रहा है, वैसे ही हम इसको भी पानी लगाएंगे, मेहनत करेंगे, खादें शादें देंगे। इस घास को भी पूरी सर्दियां, गर्मियां, बारिशों में, तूफान में हम ऐसे ही ग्रीन कलर का रखने की कोशिश करेंगे और बल्कि रखेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए भाई मैंने, इन भाई ने मुझे बहुत बोला कि हम सुबह सुबह आएँगे घर जाएंगे, लेकिन सुबह हो सकता है बारिश हो जाए, यहाँ का कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए मैंने भाई को बोला कि रातों रात मैं आपके पास खड़ा रहूँगा, आपने काम करना है और जब काम ख़त्म होगा तब आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है और फिर इन्होंने भी सोना है। ये रही मेडिसन, पानी के अंदर मिक्स करके हमने हर जगह पर लगा दी है। अब कुछ मेडिसन की सुबह हमने स्प्रे करनी है इस घास के ऊपर और ये सारा मशवरा हमें इन चाचा जी ने दिया है। ये बहुत सीनियर माली हैं, मतलब कि अब तो ये काफ़ी एज के हैं, पूरी ज़िंदगी इन्होंने माली का काम किया। इन्होंने बोला कि आपको किसने कहा कि ये दीमक बहुत नुकसान करती है, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। तो इनके कहने पे फिर मैंने ये सारी चीज़ें दोबारा से वैसे ही करवा दी, अब यही घास लगेगा। शुक्र है, मेरे दिल को तसल्ली मिल गई है। हम उसको इतना अच्छा, कब से बारिशें रुकने का इंतज़ार कर रहे थे, ये बने और फिर से एकदम से हम ख़राब कर दें। मुझसे तो ये ऐसे देखा नहीं जा रहा था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा है कि रात को अगर ये ऐसे ही फार्म हाउस हमारा रहेगा ना, मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो जब तक मैं इसे ठीक नहीं करवा लेते ना, तब तक मैंने जा कर सोना नहीं है। भाई जो काम करना है उसे कल पर क्यों छोड़ें, करना है तो रातों रात मतलब करके ही उसे छोड़ना है। सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सारे भाई भी जा चुके हैं, मैं लाइटें बंद कर देता हूँ और चलता हूँ खुद। बाकी यार पैचेस रह चुके हैं जो कि सुबह ही यहाँ पर लगेंगे। ये देखें जैसे थोड़ी थोड़ी जगह आपको नज़र आ रही होगी, इस तरह के पैचेस हैं। अब इन पे तो काफ़ी टाइम लगेगा, अगर अभी से ही पैचेस का काम शुरू हो जाता ना फिर वैसे ही सुबह हो जानी थी। तो इसलिए भाई अभी मुझे भी जाना चाहिए, सो जाऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी तकरीबन 2 बज चुके हैं। थोड़े सी देर के बाद ना, 3-4 घंटों के बाद वैसे ही सुबह हो जाएगी। फिर जाके थोड़ा सा सोता हूँ, फिर सुबह जल्दी जल्दी आऊँगा, पैचेस लगाएंगे और इस घास को कंप्लीट कर देंगे। ओए अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, यहीं पर सोया हुआ है। आ जाओ, शाबाश, अभी मैं तुम्हें उठा के ले जाता हूँ। तो ये देखें आज मेरे साथ ना ये भी जाग रहे हैं, आज मुझे पता ही नहीं चला, मुझे लगा कि शायद जहन इनको बंद करके चला गया होगा। रुक जाओ, चलते हैं। और ये देखें भाई, तो हंटर हमारे यहाँ पर है और स्काउट हमारा उस तरफ होगा। यहाँ पर भी आज सारा कुछ बिखरा पड़ा है नॉन स्टॉप, आज सारा दिन काम चलता रहा, तो इसलिए किसी को फिक्र ही नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस हर तरफ काम ही चल रहा था, मेहनत हो रही थी। तो इस वजह से खैर कोई नहीं, सुबह सुबह जल्दी उठेंगे तो ये सारे काम भी निपटा देंगे। तुम भी आ जाओ, इधर आ जाओ, इसे भी उठा के लेके जाना पड़ेगा, इनको भी अब सुलाते हैं। भाई मेरी वजह से ये भी आज जाग रहे हैं, डिस्टर्ब हुए हैं। मैं घर की तरफ जा रहा था इसको बंद करके, इसने मुझे देख कर ना बहुत ज़्यादा शोर मचाया। कभी कभी ऐसा होता है कि इसे भूख भी लगती है तब भी शोर मचाया था, क्योंकि इसने खाना शाम को खाया हुआ था, तो फिर मजबूरन मुझे इसे थोड़ा सा गोश्त लाकर देना पड़ा ताकि ये रात को चुप कर जाए, वरना ये पूरी रात ऐसे ही शोर मचाता रहेगा। अब इसको देख कर ना साथ में इसने भी मैं करना शुरू कर दिया अपनी आवाज़ में, देखिए कैसे भूल है। तो खैर उसके लिए अभी मैं फीडर नहीं ला सकता, क्योंकि मुझे घर जाना पड़ेगा किचन में, फिर दूध को बॉईल करना पड़ेगा, उसे ठंडा करना पड़ेगा, तो इस काम में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी मैं इसे ना आराम से सुबह ही फीड करूँगा, क्योंकि रात की फीड इसने ऑलरेडी ले लिया है, तो एक्स्ट्रा फीड करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए बस जल्दी से हमारा हंटर खा ले, उसको मैं थोड़ी सी देर यहाँ पर घुमाऊँ फिर आऊँगा और फिर वापस उसको बंद करके ना खुद भी जाकर सो जाऊँगा और फिर आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह सुबह। तो आज के व्लॉग यहीं देखते, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। वीडियो से लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।